जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर रोड पर वरियो स्टॉप के करीब। ये एक राइस मिल है यहाँ पर जो एलपीजी का एक कंटेनर है जिसके अंदर तकरीबन 25,000 लीटर गैस मौजूद है, वो लीक कर गया है। यहाँ पर ये कंटेनर आया था वेट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंडा लगा हुआ है जहाँ पर वेट किया जाता है। अब गैस लीकेज की वजह से जितना इलाका था उसको रेस्क्यू अहलकारों ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पुलिस के बारी नफरी मौके पर पहुँच गई है और रेस्क्यू अहलकार और फायर फाइटर गैस को डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैस के जो है वो वक्त के साथ साथ अखराज ज़्यादा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू अहलकार गैस को डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैस का अहराज जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। इलाके की जो पुलिस है और जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। पुलिस की बारी नफरी यहाँ पर तलब कर रही है। DSP सदर मोहम्मद खान साहब भी यहाँ पर पहुँच गए, हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा खान साहब, अब आप क्या एहतियाती हफाजती मेजरमेंट इख्तियार करेंगे? हमने जो जहाँ बिल्कुल नफरी खड़ी कर दी है, कोई प्राइवेट बंदा इसके करीब नहीं आएगा, इससे कम से कम 200 मीटर दूर तमाम लोग पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि सिक्योरिटी के मुकम्मल यहाँ पर इंतजाम कर दिए गए हैं, हफाजी इंतजाम कर दिए गया है। रेस्क्यू अहलकार फायर फाइटर्स भी गैस को डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।